वेदर बेशक माइनस है बट हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है। 31st को हम ऑलरेडी बड़ी सारी प्लेसेस में जाते थे पर फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। एंड जो कश्मीर है वो वाकई ही यहाँ पे स्वर्ग है इसको बोलते हैं, और ये सच्ची बात है। हर किसी को विंटर्स में यहाँ के इंजॉय करना चाहिए, कहीं बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और पोलाइट हैं, हर चीज़ में, हर सेंस में ये ठीक है और बिल्कुल सेफ है, और मतलब कोई डर और वरी की कोई बात नहीं है। यही बोलूँगी कि हर साल जो है वो अच्छा आए, कोविड जो हट जाए और लोग अच्छे से इंजॉय करें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं जावेद उर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग। तो सबसे पहले मैं अपने सभी जो हमारे बाशिंदे हैं उनको अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाला जो साल होगा वो हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, शादमानी लेके आए। और जैसा आप आज खुद यहाँ देख रहे हैं कि हम न्यू ईयर ईव पर हम एक ग्रैंड इवेंट यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमने एक विंटर कार्निवल के तौर पर 24 दिसंबर से 31st दिसंबर तक हमारा एक इवेंट चलने वाला है। तो इसमें हमने कोशिश की है, एक हमारे जो टूरिस्ट हैं जो मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आते हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से भेजें, ताकि वो गुलमर्ग और हमारे जो बाकी जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ की सैर के लिए आए, वहाँ की तफरी के लिए आए, और साथ में क्योंकि हमारा जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसकी उसको एक एक्टिविटी भी दिखानी होती है, क्योंकि वो जब यहाँ गुलमर्ग आता है तो उसकी उसकी उसको एक एक्टिविटी भी दिखानी होती है, क्योंकि वो जब यहाँ गुलमर्ग आता है तो उसकी तफरी के लिए भी कुछ इवेंट्स हमने रखे थे। और साथ में हम, आपने अभी खुद भी देखा है कि जो हम अपना जो लोकल किजीन है, हम जो हमारा अपना अपनी अपना जो कल्चर है, अपना जो कश्मीरी फोक है, उसका भी एक डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ से जाए वो न सिर्फ यहाँ की जो हसीन वादियाँ हमारे पास हैं, जो खूबसूरती आप यहाँ से जो मेमोरीज लेके जाते हैं, न सिर्फ गुलमर्ग का जो टूरिस्ट सीज़न है जो इस साल का था वो मुझे लगता है पिछले कई सालों से काफ़ी बेहतर रहा है। इसकी इसकी जो मैं अगर मैन वजूहात कहूँगा तो उसमें डिपार्टमेंट ने एक पहल की है, सबसे पहले जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर में डाला, उनकी जो प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन हुई, तो यहाँ के आप देखोगे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर फुली वैक्सीनेटेड। होटल्स हैं, दे आर फुली इक्विप्ड विद ऑल द हीटिंग एंड हीटिंग फैसिलिटीज़, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो ऐसी क्लाइमेट के लिए एक्लिमेटाइज नहीं होता है पहले से। मेरा नाम अनिल बाफना है, हम जयपुर से आए हैं, पिंक सिटी से, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। हमारा अचानक 25 तारीख को प्रोग्राम बना और हम 28 तारीख को यहाँ कश्मीर पहुँच गए थे। पहले हम पहलगाँव गए, पहलगाँव में बहुत एंजॉय किया, लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे लोग मिले हमें। 28 तारीख को हम गुलमर्ग आए और गुलमर्ग में भी हमने बहुत एंजॉय किया, वहाँ स्कीइंग वगैरह भी किया हमने, बहुत बहुत एंजॉय किया, और यहाँ के लोगों को से मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं है, जन्नत ही जन्नत है। नाम नेहल बाफना है, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, और हम यहाँ पे घूमने आए हैं, मेरे मॉम डैड को लेके आई हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज तक। हम पहले पहलगाँव गए थे और अभी हम गुलमर्ग आए हैं। जितनी सुंदर कश्मीर है उतने ही सुंदर और अच्छे दिल के लोग यहाँ के हैं। हम इतने अच्छे लोग मुझे कहीं नहीं मिले हैं, इतने मीठे और प्यारे स्वभाव के लोग हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है अनडाउटेडली, पर आँखों से देख कश्मीर के लोग, मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग मीठे बनने की कोशिश करते हैं पर यहाँ के लोगों में अलग ही मिठास है। हमारा एक्सपीरियंस हर किसी के साथ अच्छा रहा है, चाहे वो हमारे ड्राइवर जी थे, चाहे वो घोड़े वाले भैया थे, चाहे हमारे होटल वाले हैं, सब बहुत बहुत अमेजिंग थे और हमें बहुत मज़ा आया। बार बार आपको मैं ऑलरेडी